आज मैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, ओरियो सैंडविच, जिसे आप अपने हैम्पर्स में भी रख सकते हैं और ऐसे भी अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरियो सैंडविच रेसिपी। ओरियो सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 30 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। अब मैं उनकी क्रीम अलग कर लेती हूँ। सभी ओरियो बिस्किट्स में से जो क्रीम है वो हमें अलग कर लेनी है। सभी ओरियोस की क्रीम जो है वो मैंने सेपरेट आउट कर ली है। अब इस क्रीम को हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने ओरियो बिस्किट्स लिए थे उनको थोड़ा हल्का सा क्रश करना है। बिल्कुल उनका चूरा नहीं करना है हमें, थोड़ा मोटा मोटा ही चाहिए हमें। चार से पांच ओरियोज ही हमें क्रश करने हैं इस क्रीम में। और सभी क्रश्ड ओरियोज को क्रीम के साथ मिक्स कर लेना है और बाकी के जो ओरियोज बचे हैं मैं उनको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने सभी ओरियोज को बारीक पीस लिया है। अब एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमें ग्रेटेड पनीर लेना है। 100 ग्राम पनीर ले रही हूँ जिसको मैंने ग्रेट कर लिया। होममेड पनीर है ये। अब इसको भी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे अच्छे से। अब पनीर को जो हमारे ओरियो बिस्किट थे और क्रीम थी उसमें मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। यह देखिए, यह हमारी ओरियो कुकी क्रीम रेडी है जो मार्केट में मिलती है ना, इसका टेस्ट सेम वही है मार्केट वाली ओरियो क्रीम का। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने क्रश्ड ओरियो किया था वो। और टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़े से बादाम मैंने चॉप कर लिए, वो ऐड कर लेती हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इनका डो बना लेंगे। अगर आपको सभी चीज़ों को कंबाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी या दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जितना मेल्टेड पीनट बटर। पीनट बटर को मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए चला लिया था जिससे वो मेल्टेड स्टेज पर आ गया। और अब इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे और एक डो फॉर्म कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो चुकी है और ये देखिए एक डो फॉर्म हो चुका है। अब मैं इस डो को क्लिंग रैप करके 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ले रही हूँ जिसको मैंने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लिया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड। इससे क्या होता है, हमें चॉकलेट को टेम्पर नहीं करना पड़ता। चॉकलेट में अक्सर शाइन आती है और चॉकलेट जो है वो एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाती है। और अब मैं ले रही हूँ एक सिलिकॉन मोल्ड और उसमें अपना जो चॉकलेट बनाया हमने मेल्ट किया उसे 2 चम्मच चॉकलेट डाल देते हैं। अब मैं ले रही हूँ वाइट चॉकलेट, उसको भी मैंने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लिया था और उसमें भी मैंने 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। और अब इसको भी सिलिकॉन मोल्ड में पोर कर देते हैं। अब वाइट चॉकलेट में ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पिंक ऑयल कैंडी कलर और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी एसेंस, 2-4 बूंदे स्ट्रॉबेरी एसेंस की। अब कलर और एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट रेडी है। अब इसको भी हम अपने सिलिकॉन मोल्ड में पोर कर लेंगे। अब इस मोल्ड को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो नीचे का हमने बेस रेडी किया था सैंडविच के लिए वो रेडी हो चुका है। और हमने जो डो रेडी किया था वो भी अच्छे से फ्रिज में सेट हो चुका है। अब उस डो में से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। सारी बॉल्स 50 ग्राम की बनाई थी मेजरिंग स्केल की हेल्प के साथ। और अब मैं ये सारी बॉल्स जो है हमने चॉकलेट सेट किया था उसके ऊपर रख देती हूँ और एक स्पून या कोई भी गिलास ले ले उसकी हेल्प से उसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब बाकी की बॉल्स भी रेडी कर लेते हैं और वाइट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के ऊपर भी बॉल सेट कर देते हैं। मैंने तीनों मोल्ड्स में ओरियो फिलिंग कर दी है और अब क्या करेंगे, जो हमने मेल्टेड चॉकलेट बचाया था थोड़ा थोड़ा वो अपनी फिलिंग के ऊपर डाल देंगे।
आप एक और काम भी कर सकते हैं, जो हमारे साइड में सिलिकॉन मोल्ड में राउंड्स है ना, आप इनको डी मोल्ड करके इसके ऊपर भी थोड़ी सी चॉकलेट लगाकर फिलिंग के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम चॉकलेट सैंडविच रेडी कर सकते हैं। हमारा सैंडविच के लिए अपर पार्ट भी रेडी है। अब इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब अपनी जो हमने ओरियो सैंडविच बनाया है उनको डी मोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बाकी के सारे सैंडविचेस भी मैं जो है डी मोल्ड कर लेती हूँ। हमारे ओरियो सैंडविचेस बनकर तैयार हैं। वैसे ये ऐसे ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बट इनको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि दिवाली है तो मैंने और थोड़ी सी डेकोरेशन की है। डेकोरेशन के लिए मैंने वाइट मेल्टेड चॉकलेट थोड़ी सी इनके ऊपर पोर करी है। मैंने ये रोजेस बनाए थे, चॉकलेट की हेल्प से ही रोजेस बनाया। चॉकलेट को जस्ट रोज मोल्ड में पोर करा है और उसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। और अब मैं डार्क चॉकलेट के ऊपर वाइट रोज लगा रही हूँ। आप चाहे तो गोल्डन डस्ट से भी इन डिस्को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रॉबेरी चॉकलेट को मैंने कैसे डेकोरेट किया है। इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट की हेल्प से लाइंस बना ली है और एक पिंक रोज लगा दिया है। अब मेरे पास कुछ एडिबल व्हाइट पर्ल्स हैं, वो लगा देती हूँ, जिससे जो हमारी ये ओरियो डिस्क है, ओरियो सैंडविच है, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए हमारे सारे ओरियो सैंडविचेस बनकर तैयार हैं। ये देखने में जितने ब्यूटीफुल है उतने ही टेस्टी खाने में भी हैं। तो चलिए इस दिवाली बनाए कुछ डिफरेंट और यूनिक ब्यूटीफुल चॉकलेट्स और अपने कस्टमर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट करें, ऑर्डर्स लें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये ओरियो सैंडविचेस कैसे लगे और आप क्या क्या और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। ओरियो सैंडविचेस तो हमने बनाना सीख लिया, अब इनकी पैकिंग भी देख लेते हैं। पैकिंग के लिए मैंने क्लिंग फिल्म लिया और उसको टाइट हैंड से ओरियो सैंडविच के ऊपर रैप कर लिया है। बाकी के ओरियो सैंडविच भी मैं क्लिंग रैप की हेल्प से अच्छे से टाइटली पैक कर लेती हूँ। मेरे पास ये पीवीसी बॉक्सेस हैं जिनमें मैं अपने ओरियो सैंडविचेस रख रही हूँ। कोई इन बॉक्सेस के वेंडर का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूँगी। अब मैं इन बॉक्सेस को लॉक कर देती हूँ और ये देखिए हमारे ओरियो सैंडविचेस अच्छे से पैक हो चुके हैं। कितना क्यूट बॉक्स लग रहा है ये। बाकी के भी सारे ओरियो सैंडविचेस ऐसे ही पैक कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।